हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड है और जो हमारे नेक में होती है। थायराइड ग्लैंड इज मेड अप ऑफ लोब्स, टू लोब्स। इसमें दो लोब होते हैं इस तरीके से, वन ऑन राइट साइड, अनदर ऑन द लेफ्ट साइड। और इसके बीच में एक पतली पतली सी पट्टी होती है जिसको जोड़ रही होती है। यू कैन से देर आर टू लोब्स एंड वन इस्थमस, सो इट इज़ नोन एज इस्थमस विच इज़ जॉइनिंग द टू लोब्स। ओके, और ये कहाँ पर है आप देखेंगे पीछे, ये ट्रैकिया है, तो ये ट्रैकिया के आगे की तरफ है। सो इट इज़ सिचुएटेड एंटीरियर टू दी ट्रैकिया। ओके, यहाँ ट्रैकिया जा रही है हमारी, उसके आगे ये थायराइड ग्लैंड होती है। और इस ग्लैंड से कई बार ऊपर की तरफ एक लोब और निकला हो सकता है जिसको हम बोलते हैं पिरामिडल लोब। सो पिरामिडल लोब इज अ लोब विच इज गोइंग एंटीरियरली टू द फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड। ओके, और ये ऊपर अगर स्ट्रक्चर यहाँ पे देखें नेक में, तो नेक में यहाँ पर हाइवॉइड बोन होती है ऊपर, फिर थायराइड कार्टिलेज होता है। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि ये हाइवॉइड बोन और थायराइड कार्टिलेज के नीचे ये ग्लैंड सिचुएटेड होती है। ओके, और एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इस ग्लैंड में कि ये ग्लैंड में पीछे की तरफ, मतलब पोस्टीरियर टू दिस ग्लैंड, चार पैराथायरॉयड ग्लैंड होती है इस तरीके से। तो थायराइड ग्लैंड के पीछे की तरफ पोस्टीरियरली चार पैराथायरॉयड ग्लैंड होती है। तो पैराथायरॉयड ग्लैंड भी बहुत इंपॉर्टेंट है और पैराथायरॉयड ग्लैंड से पैराथॉर्मोन हार्मोन निकलता है। ओके, तो हमेशा जब भी सर्जरी करते हैं, सर्जरी करने के टाइम पे अगर किसी को हाइपरथायरॉयडिज्म है या किसी वजह से थायराइड की सर्जरी करनी पड़ रही है, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है बात ध्यान रखना कि पैराथायरॉयड जो ग्लैंड्स हैं उनको हमें सेव करना है। अदरवाइज, क्योंकि पैराथायरॉयड हार्मोन का जो अपना फंक्शन है वो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है, तो वहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है आपको कैल्शियम की वजह से जो एबनॉर्मलिटी होती है, जिसको हम पैराथायरॉयड हार्मोन में पढ़ेंगे, तो ये सेव करना इंपॉर्टेंट होता है। ओके, अगर आप ये जो ग्लैंड है इसका जो वेट है वो होता है 15 to 20 ग्राम की ये ग्लैंड होती है। और ये ग्लैंड बहुत ही वैस्कुलर है, हाईली वैस्कुलर ग्लैंड है। वैस्कुलर मतलब इसकी ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा है पर ग्राम वेट के हिसाब से। इसकी जो ब्लड सप्लाई है वो होती है सुपीरियर थायराइड आर्टरी एंड इन्फीरियर थायराइड आर्टरी। सुपीरियर जो थायराइड आर्टरी होती है वो इस तरीके से यहाँ से आती है और इसको सप्लाई करती है दोनों तरफ। इन्फीरियर थायराइड आर्टरी नीचे से आती है और ये इसको सप्लाई करती है नीचे वाले पोर्शन को। तो ये बहुत ही वैस्कुलर ग्लैंड है और सुपीरियर थायराइड एंड इन्फीरियर थायराइड, सुपीरियर माने ऊपर, इन्फीरियर माने नीचे, तो सुपीरियर थायराइड एंड इन्फीरियर थायराइड आर्टरी से इसकी सप्लाई होती है। और जिसका डेवलपमेंट है, इसका डेवलपमेंट होता है फ्रॉम द फ्लोर ऑफ प्रिमिटिव फैरिंग्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो फैरिंग्स है, फैरिंग्स मतलब टंग के पीछे की जो एरिया है वहाँ से इसका डेवलपमेंट होता है। तो आप कह सकते हो कि इसका डेवलपमेंट जो है वो बेसिकली फ्रॉम द फ्लोर ऑफ टंग होता है। टंग के पीछे की तरफ वाले एरिया को आप फैरिंग्स बोलते हैं, तो फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द टंग ऑफ द फैरिंग्स इसका डेवलपमेंट होता है। लेकिन ये नेक में सिचुएटेड है, तो एम्ब्रियोलॉजी में, यानी जब एम्ब्रियो होता है, जब डेवलपमेंट होता है बेबी का, उस टाइम पे ये फ्लोर ऑफ द टंग से नेक में माइग्रेटेड हो जाती है। सो इट माइग्रेट फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द टंग टू द नेक। ओके, अब कभी कभी क्या होता है, ये माइग्रेशन कुछ एबनॉर्मलिटी की वजह से ये माइग्रेशन पूरा नहीं हो पाता, तो थायराइड का टिश्यू कहीं भी इस रास्ते में कहीं भी मिल सकता है, टंग से लेकर नेक तक के रास्ते में कहीं भी मिल सकता है। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्टोपिक थायराइड। ठीक है, एक्टोपिक थायराइड, और इसको जो है हम बोल सकते हैं लिंगुअल थायराइड। कभी कभी क्या होता है, लिंगुअल माने हम बोलते हैं, लिंगुअल वर्ड यूज होता है टंग के लिए, तो कभी कभी टंग के बैक एरिया में भी कुछ थायराइड का टिश्यू मिल सकता है, उसको हम लिंगुअल थायराइड बोलते हैं। ओके, जो थायराइड है, अगर आप इसका कट सेक्शन करें, जैसे थायराइड ग्लैंड है, इसको कट सेक्शन करें, तो ये हिस्टोलॉजी कहलाती है हमारी। हिस्टोलॉजी में देखें तो आपको इसमें क्या करेंगे, आपको इसमें बहुत सारे फॉलिकल्स दिखाई देते हैं, इस तरह से राउंडेड राउंडेड मल्टीपल फॉलिकल्स की मिलकर ये ग्लैंड बनी हुई है। फॉलिकल्स, ये इस तरह से फॉलिकल्स हैं। और ये फॉलिकल्स, इनमें क्या होता है कि बाहर की तरफ एक सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, मतलब सिंगल लेयर का मतलब है ये हो गई सिंगल लेयर, डबल लेयर का मतलब क्या होता है या मल्टीपल लेयर का मतलब होता है कि यहाँ पर अगर इस तरह से कोई लेयर हो तो मल्टीपल लेयर कहलाती है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यहाँ पर ये होता है, यानी कि सिंगल लेयर ऑफ क्यूबॉइडल इपिथीलियम, सिंगल लेयर ऑफ इपिथीलियम मिलती है, और वो कौन सी टाइप की है, क्यूबॉइडल टाइप की है, तो क्यूबॉइडल इपिथीलियम बोलती है। और इस फॉलिकल के अंदर की तरफ
पिंक कलर का एक प्रोटीन का बना हुआ मटेरियल मिलता है, पिंक प्रोटीनेशियस मटेरियल। ये मैंने यहाँ पे रेड से शो किया, ये पिंक होता है एक्चुअल में, ओके। तो ये इसको हम बोलते हैं कोलोइड। सो इन इनसाइड द फॉलिकल ए पिंक प्रोटीनेशियस मटेरियल इज फिल्ड विच इज़ नोन एज कोलोइड, और इसमें थायरोग्लोबुलिन नामक सब्सटेंस जो है वो यहाँ पर इकट्ठा रहता है, थायरोग्लोबुलिन इसमें स्टोर रहता है, ओके। और इसी के साथ में यहीं से आपका जो फॉर्मेशन होगा थायराइड हार्मोन का वो यहीं पर होता है बेसिकली, और यहीं पे ये थायरोग्लोबुलिन के साथ थायरोक्सिन हार्मोन बाइंड रहता है। अब ये जो फॉलिकल के अंदर जो ये जो आपका कोलॉइड है, अगर ये कोलॉइड किसी ग्लैंड में कम मिल रहा है तो इसका मतलब है ये एक्टिव है फॉलिकल। कम क्यों मिल रहा है? क्योंकि जो थायरोग्लोबुलिन है वहाँ पर वो हार्मोन बनाने के लिए यूज़ हो रहा है, इसका मतलब ग्लैंड एक्टिव है, वो एक्टिवली हार्मोन बना रही है, तो जो फॉलिकल का साइज है वो कम मिलेगा। कोई अगर फॉलिकल इनएक्टिव है तो वहाँ पर, जैसे नया बन के आया है अभी इनएक्टिव है, तो वहाँ पर क्या होगा कि फॉलिकल में जो कोलॉइड है वो पूरा भरा मिलता है, आप देखेंगे पूरा के पूरा तरह फिल है, तो इसका मतलब है ये टाइप का कोलॉइड इनएक्टिव है, जिसमें कोलॉइड कम है ये टाइप का फॉलिकल एक्टिव है। तो ये एक्टिव और इनएक्टिव फॉलिकल का डिफरेंस होता है। इन फॉलिकल के पास में ही कुछ अलग टाइप की डिफरेंट सेल्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं पैरा फॉलिकुलर सेल्स। फॉलिकल के पास का मतलब पैरा, आसपास में, पैरा फॉलिकुलर सेल्स, या इनका दूसरा नाम है सी सेल्स, और ये एक दूसरा हार्मोन सीक्रेट करते हैं जिसका नाम है कैल्सीटोनिन। इसीलिए ये जो सी है इसी सी से इसका नाम आया है, सी सेल्स, कैल्सीटोनिन। और कैल्सीटोनिन जो है वो ब्लड में कैल्शियम को कम करता है, इसका नाम, इसको हम बोलते हैं कैल्शियम लोवरिंग हार्मोन। कहाँ पे कैल्शियम को कम कर रहा है? ब्लड में, ब्लड में ये कैल्शियम को कम करता है, ठीक है। तो अब अगर आप थायराइड की बात करें तो थायराइड में एक तो थायराइड हार्मोन अपने जो बन रहे हैं इन फॉलिकल्स के अंदर, कैल्सीटोनिन जो सी सेल से बन रहा है, और साथ में वहाँ पैराथायरॉयड ग्लैंड्स भी हैं, इसलिए पैराथॉर्मोन भी वहाँ पर सिक्रीट होता है। तो थायराइड ग्लैंड बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड है बॉडी के लिए, और इससे जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं थायराइड हार्मोन वो होते हैं T3, T4, RT3 एंड कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन अभी आपने पढ़ा कैल्शियम लोवरिंग हार्मोन है, और सी सेल्स या पैराफॉलिकुलर सेल्स से मिलकर ये, मतलब से सिक्रीट होता है ये। अब T3 है, यहाँ 4 है, क्योंकि यहाँ पे जो आयोडीन है इसके अंदर 3 आयोडीन के मॉलिक्यूल होते हैं, इसके अंदर 4 आयोडीन के मॉलिक्यूल होते हैं, इसका नाम इसलिए T3, इसका T4 है। T4 इज थायरोक्सिन हार्मोन, जो मेजर हार्मोन सेल से सिक्रीट होता है वो T4 होता है, T4 इज थायरोक्सिन हार्मोन। T3 इज अ ट्राई आयोडोथायरोनिन, ट्राई आयोडोथायरोनिन। RT3 क्या है? रिवर्स ट्राई आयोडोथायरोनिन। अब अगर आप इनके स्ट्रक्चर देखें, ये है T4 और ये है T3, तो इसमें दो बेंजीन रिंग होती हैं, दो बेंजीन रिंग हो गई, और वो बेंजीन रिंग आपस में O मॉलिक्यूल से जुड़ रही है, ऑक्सीजन से जुड़ रही है। यहाँ पे होता है CH2, और एक NH2 ग्रुप है, एक COOH ग्रुप है, यानी कि इसमें एसिड भी है और बेस भी है। सो NH2 एंड COOH ग्रुप इसमें जुड़ा होता है। अब यहाँ जहाँ पे CH2 जुड़ा होता है यहाँ से हम काउंटिंग करते हैं 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे इसको नंबरिंग देते हैं एक बेंजीन रिंग को। दूसरी वाली बेंजीन रिंग है उसको हम ऐसे देते हैं 1-2-3-4-5-6 या प्राइम भी बोलते हैं इसको, 1', 2', 3', 4' ऐसे करके। तो जो आयोडीन है वो बेसिकली 3, 5, 3-5, इन चारों जगह पर आयोडीन का मॉलिक्यूल अटैच हो रखा है, और यहाँ पर है अल्कोहल ग्रुप OH ग्रुप। तो ये बेसिकली इसकी स्ट्रक्चर है, एक तरफ दो बेंजीन रिंग O से जुड़ी हुई है, एक तरफ OH ग्रुप है अल्कोहल, दूसरी तरफ CH2, CH, NH2 एंड COOH, यानी एसिडिक और बेसिक दोनों ग्रुप है। इसका नाम देखेंगे तो ये थायरोक्सिन कैसे है, 3, 5, 3-5, क्योंकि एक बार 3, 5, 3-5 यहाँ पर आयोडीन अटैच है। सो 3, 5, 3-5 टेट्रा, क्योंकि चार मॉलिक्यूल हो गए आयोडीन के, टेट्रा आइडो, चार मॉलिक्यूल आयोडीन के, और किससे? थायरोनिन। सो टेट्रा आइडो थायरोनिन इज द T4 मॉलिक्यूल। T3 में क्या डिफरेंस होता है?
कि 5' पर आयोडीन अटैच नहीं होती, बाकी सब कुछ सेम है। आप देखेंगे यहाँ आयोडीन जो अटैच हो रही है 3, 5 और 3' पर अटैच हो रही है, 5 पे नहीं अटैच हो रही है, यानी ये वाली आयोडीन इसमें नहीं है। इसका नाम हुआ 3, 5, 3' ट्राई आयोडोथायरोनिन। रिवर्स कैसे है, रिवर्स में वहाँ पे देखिए अगर आप T3 को देखेंगे तो 3, 5, 3' है, रिवर्स ट्राईआयोडोथायरोनिन में 3, यहाँ पर 3' को पहले ले लिया इन्होंने, 3, 3', 5'। ओके, 3, 3' और 5' या 3, 3', 5', ट्राईआयोडोथायरोनिन इज रिवर्स्ड R3। बेसिकली T4, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट T3 इज मोर एक्टिव देन T4। फिजियोलॉजिकली T3 इज मोर एक्टिव देन T4, लेकिन जो बॉडी में सिक्रीट होता है वो T4 मेजर अमाउंट में सिक्रीट होता है। सो T4 सिक्रीट इन मोर अमाउंट इन द बॉडी, T4 ज्यादा सिक्रीट होता है, T3 कम सिक्रीट होता है, लेकिन T4 T3 में कन्वर्ट होके अपना मेजर फंक्शन शो करता है। ओके, और ये कहाँ कहाँ होता है, टिश्यू के अंदर होता है, ब्लड के अंदर ये कन्वर्जन होता है, इसको हम बोलते हैं पेरिफेरल कन्वर्जन। सो देर इज अ पेरिफेरल कन्वर्जन ऑफ T4 इंटू T3। तो ये ध्यान रखने की बात है, T3 ज़्यादा एक्टिव है लेकिन बॉडी में मेनली T4 सिक्रीट हो रहा है, तो मेजर प्रो हार्मोन कौन है, वो है T4, क्योंकि यही सिक्रीट हो रहा है प्रो हार्मोन के फॉर्म में। ओके, सो ये हो गए हमारे हार्मोन्स, हिस्टोलॉजी हमारी हो गई। अब ये जो मेजर इसका जो फंक्शन है, इसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जिसको हम डिटेल में अगली वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन ये ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर मदर के अंदर आयोडीन की कमी हो तो वहाँ पे T3 T4 भी कम बनेगा उनमें, और उसकी वजह से जो बच्चा है वो मेंटली रिटार्डेड हो सकता है, और बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो कम हो सकता है, यानी कि थायराइड ड्वार्फ बोलते हैं उनको, यानी कि थायराइड में वो ड्वार्फ हो गए, छोटे डेवलप होंगे वो। और ऐसे ही चाइल्डहुड में अगर आयोडीन की कमी है तो भी ये प्रॉब्लम होती है मेंटल रिटार्डेशन की और ग्रोथ की। तो ये ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, ये पूरी सेल्स के, हर बॉडी में जितनी भी सेल्स हैं उनके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती है। ये क्या करती है कि स्टिमुलेट करती है ऑक्सीजन कंजम्पशन बाय ऑलमोस्ट ऑल द सेल ऑफ द बॉडी। हर एक सेल से ऑक्सीजन का जो कंजम्पशन है वो बढ़ाती है। तो बेसिकली ये हर एक्टिविटी को, पूरी बॉडी का जितने भी सिस्टम है सब पर काम कर रही है, जैसे हार्ट रेट को बढ़ाएगी, रेस्पिरेटरी रेट को बढ़ाएगी, आप पूरी बॉडी में देखोगे तो सब पे काम करती है, कंट्रोल करने का काम करती है बेसल मेटाबॉलिक रेट को। और ये बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म है उसको भी कंट्रोल करती है। ठीक है, तो ये बॉडी की ऑलमोस्ट ऑल सेल्स पे काम करती है, ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गन्स पे काम करती है, पर ये बॉडी के लिए एसेंशियल नहीं है। मतलब अगर आप थायराइड हटा दें तो भी पर्सन जिंदा रहेगा, ऐसा नहीं है कि वो मर जाएगा, लेकिन उनकी डेफिशिएंसी से प्रॉब्लम्स पैदा होगी, डेफिशिएंसी से एबनॉर्मलिटी डेवलप होती है बॉडी में। ओके, और उनके इफेक्ट्स होते हैं। तो इट इज़ नॉट एसेंशियल बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द बॉडी। ओके, और अगर किसी को हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया या थायराइड ग्लैंड को रिमूव कर दिया गया है तो आप उसको सप्लीमेंट्स दे सकते हो। लाइफ लॉन्ग थायरॉक्सिन की एक गोली आती है जिसको कि आप डेली उसको देते हैं और उसका थायराइड हार्मोन का जो लेवल है उसको मेंटेन रखते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि आयोडीन मेटाबॉलिज्म कैसे होता है बॉडी में। आयोडीन बहुत इंपॉर्टेंट है थायराइड हार्मोन के सिंथेसिस में, आयोडीन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और आयोडीन हम कहाँ से लेते हैं, आयोडीन हम लेते हैं डाइट से, और ये बेसिकली जो सॉल्ट है, टेबल सॉल्ट, नमक, उसमें आयोडीन मिली हुई होती है। तो जब भी नमक खरीदते हैं, अब तो खैर सभी हर नमक में ये आने लगा है, लेकिन पहले के टाइम में क्या होता था, कुछ मोटा नमक यूज़ करते थे लोग और कुछ आयोडाइज यूज़ करते थे। तो जिस नमक में आयोडीन की कमी होती थी उनमें घेंगा रोग हो जाता था, बेसिकली हिंदी में इसको घेंगा रोग कहते हैं, वैसे ही हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया बेसिकली। ओके, तो यहाँ पे डाइट से आयोडीन ली जा रही है और ये आयोडीन स्टमक में गई, फिर एब्जॉर्प्शन हुआ इसका इंटेस्टाइन से। तो डेली अप्रॉक्सीमेटली 500 माइक्रोग्राम ऑफ आयोडीन इज इंजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब, इंजेस्टेड होके 500 माइक्रोग्राम एब्जॉर्ब होगी बॉडी में। एब्जॉर्ब होके कहाँ जाएगी, ECF में। ECF क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड। ओके, सॉरी, यानी ये ब्लड में भी है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड में ही ब्लड भी आता है। तो 500 माइक्रोग्राम आपकी एब्जॉर्ब हो गई। थायराइड ग्लैंड ऑलमोस्ट डेली 120 माइक्रोग्राम एब्जॉर्ब करता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन।
तो उसमें से 120 माइक्रोग्राम आपकी ही डेली एब्जॉर्ब होती है बाय द थायराइड ग्लैंड फॉर द थायराइड हार्मोन सिंथेसिस। अब ये 120 ग्राम जो गई है इसमें से T3 T4 बनाने में यूज होती है 80 माइक्रोग्राम ऑफ द आयोडीन, 80 माइक्रोग्राम। और जो 40 माइक्रोग्राम है, भाई 120 में से 80 गया, 40 बचा, तो 40 माइक्रोग्राम वापस ECF में चली जाती है, यानी वापस ब्लड में और ECF में भेज दी जाती है। अब ये जो 80 मिली माइक्रोग्राम है, इट्स माइक्रोग्राम, ध्यान रखना है माइक्रोग्राम में हो, बहुत कम अमाउंट है ये। ये 80 माइक्रोग्राम बॉडी में यूज होती है, अपना इफेक्ट दिखाती है हर एक सिस्टम पे, हर एक सेल्स पे अपना इफेक्ट दिखा रही है, और फाइनली ये क्या होती है, मेटाबोलाइज होती है लीवर में। लीवर में मेटाबोलाइज होके ये बाइल में, बाइल के थ्रू इंटेस्टाइन में चली जाती है और 20 माइक्रोग्राम ऑफ आयोडीन एक्सक्रीटेड हो जाती है इन द स्टूल। अब 80 में से 20 तो स्टूल में चली गई, 60 जो थी वो वापस फिर से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जा रही है। तो ये एक एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का पूल है, जहाँ पे यूज हो रही है तो चली जाती है, एक्स्ट्रा जो भी बचती है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में वापस आ जा रही है। ओके, अब 500 हमने एब्जॉर्ब करी थी, सिंथेसिस करी थी, मतलब इंजेस्टेड करके एब्जॉर्ब करी थी, 20 माइक्रोग्राम तो स्टूल में एक्सक्रीटेड हो गई और 480 माइक्रोग्राम जो बची दैट इज एक्सक्रीटेड इन द यूरिन। तो जो टोटल 500 माइक्रोग्राम इंजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब होती है उसका 20 स्टूल में जाता है और 480 इसमें जाता है। इसका मतलब किडनी इज द मेजर ऑर्गन फॉर इट्स रिमूवल। बॉडी में से जो रिमूवल के लिए है या फॉर इट्स एक्सक्रीशन या फॉर इट्स आयोडीन का रिमूवल इज द किडनी इज द मेजर इंपॉर्टेंट, क्योंकि मेजर पार्ट किडनी से जा रहा है। ठीक है, तो ये है हमारा आयोडीन मेटाबॉलिज्म। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि इसका जो सिंथेसिस है उसके क्या क्या प्रोसेस है। ओके, थैंक यू सो मच।